आज मैं आपके लिए जी गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ और मेरे स्टाइल में आपने ये ट्राई ज़रूर करना है। और अगर आप क्रिसमस के लिए इसको बनाना चाहते हैं तो तब भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है और इसको ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे फीडबैक करना। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं 1 kg जो है गाजर ले ली हैं, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 glass मैंने दूध ले लिया है, कंडेंस मिल्क थोड़ा सा यूज़ करूँगी और ये शुगर जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक करें। मैंने ब्राउन शुगर ले ली है और ड्राई नट्स हैं जिसमें बादाम, पिस्ताशियो और कैशू नट मैंने ले ली हैं। और मैंने ये 5 या 6 जो है ना ग्रीन इलायची छोटी वाली ले ली हैं। और मैंने पैन में जो है ना देसी जो है ले लिया है जी घी, आप जो है ऑयल में भी बना सकते हैं और जो भी आपके पास बटर है या घी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और ये मैं देसी घी में डाल रही हूँ इलायची, और इसमें अब मैं डाल दूँगी कैरेट्स अब मैं इसको जो है ना घी में थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा फिर इसको देखूँगी, इसका जब पानी ड्राई होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने जो है तो इसका जो है पानी ड्राई कर लिया है और अब इसमें मैं दूध शामिल कर रही हूँ। और फिर इसको अभी जो है मैं लिड दे दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि जो हमारी कैरेट हैं ये भी गल जाएं और दूध मिक्स हो जाए, और फिर मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ। तो 5 मिनट हो गए हैं, इसमें मैंने दूध जो डाला था तो अब मैं चेक करती हूँ कि हमारा दूध ड्राई हुआ है या नहीं। अभी जो है इसमें दूध ड्राई नहीं हुआ और मैं इसको मिक्स करके दोबारा लिड दे रही हूँ, फिर मैं इसको 5 मिनट और छोड़ देती हूँ। तो अब मैं देख रही हूँ इसमें चीनी डाल दूँ, और ये मैं चीनी डाल रही हूँ क्योंकि चीनी भी अपना पानी जो है ना वो छोड़ दिया तो इसलिए इसका पानी दूध के साथ ही खुश्क हो जाएगा। और इसी स्टेज पे मैं इसमें जो है ना घी थोड़ा सा डाल दूँगी क्योंकि पहले जब मैंने इनको फ्राई किया था तो सिर्फ 1 चम्मच डाला था, और ये भी ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें जो है ना बताती हूँ कितना सा डालूँगी, आप ऑयल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, और मैं 2 जो है ना अब डाल रही हूँ इसमें टेबलस्पून घी ताकि इसको मैं सही तरीके से फ्राई फिर कर सकूं। क्योंकि अभी हमारे 5 मिनट नहीं हुए इसीलिए मैंने इसमें चीनी और जो है घी डाल दिया है, और सिर्फ अभी 3 मिनट हुए थे तो अभी फिर मैं 2 मिनट के लिए इसको और छोड़ देती हूँ ढक के। तो अब चेक करती हूँ कि इसका जो है मिल्क ड्राई हुआ है या नहीं। तो जी बिल्कुल, तकरीबन हमारे इसको 10 मिनट लगे हैं मिल्क को ड्राई होने में, तो ये इसका सारा मिल्क ड्राई हो गया है। अब इसमें जो है ना मैं कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी, और चीनी आपने देखा है मैंने अपने हिसाब से किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी यूज़ करें। तो हलवा हमारा जो है मज़ेदार तैयार है, इसमें मैंने कंडेंस मिल्क जो है शामिल कर दिया है, और अब इसको मैं जो है ना डिश आउट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ आगे मैं क्या करती हूँ। और डिश आउट करने से पहले जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और जी हमारा हलवा जो है तैयार हो गया है और बहुत मज़े का ये बना है, और अगर वीडियो ना बनानी होती तो अभी तक ये हलवा ख़त्म हो जाना था क्योंकि बहुत डिलीशियस बना है। तो इसलिए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, और फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।